नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। न्याय के लिए पीड़िता लगा रही महिला थाने के चक्कर। भिवाड़ी में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़िता न्याय के लिए बार बार महिला थाने का चक्कर लगा रही। पीड़िता ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को भिवाड़ी महिला थाने में सुरेंद्र पुत्र बलवीर जात अहिर हाल निवासी हेलीकॉप्टर वाली गली के पास रोड धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी के खिलाफ शादी का झांसा देकर परिवादी के साथ भिवाड़ी स्थित फ्लैट पर शारीरिक शोषण करता रहा। 2 महीने पहले परिवादी को पता चला कि सुरेंद्र की पत्नी जीवित है और उसके परिवादी से झूठ बोला कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जब सुरेंद्र से इसका स्पष्टीकरण चाहा तो उसने कहा, अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया है तो पिछली बातों को जाओ, मैं अपने परिवार को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना ही इसके बाद हम अब कभी मिल पाएंगे। शादी का झांसा देकर परिवादी का करीब 3 साल तक लगातार शारीरिक शोषण किया, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता का कहना है कि एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने भिवाड़ी महिला थानाधिकारी रजनी को फोन लगाकर पीड़िता के 164 के बयान करवाने व आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया, जिस पर पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसके बाद पीड़िता करीब 5 बार महिला थाने जा चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सभी अधिकारियों का कहना है कार्यवाही करेंगे। संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाला है बंदा? ये बंदा दारूहेड़ा पास रोड से है, हेलीकॉप्टर वाली गली में, सुरेंद्र उर्फ बलबीर इसका नाम है, अहीर जाति से बिलोंग करता है। तो आप उनको एक दो बार उनसे दोबारा मिली क्या? मैं उनसे दोबारा नहीं मिली सर, मेरे ऊपर लगातार दबाव दिया जा रहा है कि राजीनामा कर लो, मेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन मुझे नए नए नंबरों से फ़ोन आता है व्हाट्सएप कॉलिंग पे कि मैं राजीनामा कर लूँ। मैम, कितनी तारीख की घटना है और क्या घटना हुई आपके साथ? सर, ये एक सुरेंद्र नाम का बंदा है, एक प्लॉट लेने के तहत मेरी इससे फ़ोन पे बातें होती थी, व्हाट्सएप चैटिंग होने लगी, धीरे धीरे हमने एक दूसरे के बारे में जाना और इस बंदे ने मुझे बोला कि मैं आपको प्लॉट दिलवा देता हूँ और हम वो प्लॉट लेके वहाँ पे शादी करके घर बना के आराम से रहेंगे। इसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मैं भी अपने घर वाले से 10-12 साल से अलग रहती हूँ। तो इसने मुझे ये बोला कि मैं बच्चों की सहमति से, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे और आजीवन हम साथ में ही रहेंगे। और 2021 में जब मैं इसके घर गई, इसने आना बंद कर दिया था लॉकडाउन में, तब मुझे पता चला कि इसकी घरवाली जिंदा है। तो मैंने पूछा तो इसने मुझे बताया कि ये मेरे भाई, छोटे भाई की बहू है। तो मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर इसने मुझे बताया, इसी तरह हमारे झगड़े होने लगे और ये झगड़ा लगभग हमारा 1-1.5 साल चला। और इसके बीच में इसने मुझे एक प्लॉट भी दिलवाया जो इसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं, मैंने अपने मायके की सारी प्रॉपर्टी बेच के वो प्लॉट लिया था, इसमें ये मेरे 15 लाख रुपए भी खा गया और अब ये मुझसे ब्लैकमेल कर रहा है और मेरी वीडियो जो भी है इसके पास वो सारी दिखा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने 14 जुलाई 2023 में महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें 376 का मुकदमा बताया गया है, लेकिन 1 महीना हो चुका, मेरे 164 के 161 के मेरा मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले में। कृपया करके मेरी मदद करी जाए। पुलिस से आप मिले तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस बोलती रहती है मुझे कि हम करेंगे मैडम, थोड़ा रुक जाओ, हम परेशान हैं, हम करेंगे इस पर कार्रवाई, रुक जाओ। मैं 1 महीने से पुलिस के थाने के चक्कर काट रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इनके उच्च अधिकारी से मिले क्या आप? मैं रजनी मैडम से मिली थी, उन्होंने भी मुझे ये बोला कि कार्रवाई करेंगे आपकी। रीजा देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी मैं अभी भी मिल के आई हूँ, उन्होंने मुझे यही बोला कि आपकी कार्रवाई हम करेंगे।